प्लेट वहाँ पे क्यों रख रहे हो, मुझे दे दो ना। अरे नहीं बहन जी, ये आपकी नहीं है, मैं आपके लिए दूसरी बनाती हूँ। हद है यार तुम्हारी, मैं यहाँ पे पहले से खड़ी हूँ और तुम किसी और को दे रही हो। अरे नहीं बहन जी, दे रही हूँ ना मैं अभी। ये लीजिए। बड़ी अजीब औरत है। बहन मैं काफी दिनों से तुम्हारी दुकान पे आ रहा हूँ, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। वैसे तुमने वो वाली प्लेट उस कस्टमर को क्यों नहीं दिया? वो क्या है ना भैया, आप कभी बोनी के टाइम पे नहीं आए ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मतलब ये कि मैं जब भी दुकान में आती हूँ ना, तो पहला भोग भगवान को ही लगाती हूँ। वो क्या है ना, मेरी माँ ने ना मुझे बचपन से सिखाया है कि पहला भोग ना भगवान जी को ही लगाना चाहिए, और अगर एक बार भोग लग गया तो वो तो फिर प्रसाद के रूप में बदल जाता है, और फिर क्या बरकत तो हो ही जाएगी। और ये जो पहली प्लेट है वो भगवान के लिए निकाली थी मैंने, इसलिए वो ना बुरा मान के चले गए। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, पर वैसे तुम इस प्लेट का करती क्या हो? भैया ये प्लेट तो मैं कोई भी अगर मुझे जरूरतमंद इंसान दिखता है ना, और या फिर किसी के पास खाने के पैसे नहीं होते, तो ये प्लेट मैं उसको दे देती हूँ। बड़ी अच्छी सोच है बहन तुम्हारी, लाओ मुझे प्लेट दे दो हमारी। ये लीजिए भैया। भैया भैया वो वहाँ पे जो बहन जी ना वो कढ़ी चावल लगाती है, वो कहाँ गई? अच्छा वो शायद वो इस मार्केट के पीछे चली गई है, आप वहाँ चेक कर लीजिए। थैंक यू भैया। अरे बहन जी तुम? अरे यार। अरे मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं आपकी दुकान पर गया था, वहाँ मिली नहीं। फिर मैं कार साफ करने वाले भैया से पूछा कि आपकी दुकान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि जाके मार्केट के उस पार देख लो, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया बहन जी, और देखिए आप मिल गई मुझे यहाँ पर। तो बहन जी आपने क्या दुकान लगाना बंद कर दिया है? हाँ बंद कर दी। तो अब? तो क्या अब ये प्यारा सा रेस्टोरेंट मेरा है? अरे वाह, ये सब तो ऊपर वाले की बरकत है। हाँ बहन जी मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ। वो क्या है ना कि पहले मेरे पास सब्जी की दुकान थी, और उस दुकान पे ना कोई कस्टमर नहीं आते थे। फिर जब मैं आपकी दुकान पर आया ना, और आपकी दुकान पे वो कढ़ी चावल खाया, तो उसी दिन मैंने सीखा कि हमारा पहला ग्राहक ना भगवान होना चाहिए। फिर क्या हमने भी शुरू कर दिया वही काम, अपनी पहली सब्जी निकाल कर और भगवान के नाम हमने रख दिया। फिर बहन जी आज देखो सांस लेने की फुर्सत नहीं है मेरी दुकान पे, भीड़ लगी होती है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी सीख दी। अरे भैया धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारी संस्कृति में पहले से ही है, बस हम ना इसे भूल चुके हैं। और वैसे भी जब सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया जाए ना, तो सब अच्छा ही होता है। हाँ बहन जी आप सही कह रही हो। चलो आप मेरे रेस्टोरेंट में चलो।